सर्वप्रथम मेरी गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रभु शशिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज नितलीला प्रभु शशिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी त्यक्त्वा देहं पुनं जन्मं नैति मामेति स्वार्जुन अर्जुन मेरा जन्म नहीं है लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। कोई कोई लोग सोचते हैं कृष्ण हम जैसे जन्म लेते हैं कृष्ण भी ऐसे ही जन्म ले लिया। कृष्ण कहते नहीं मेरे जो जन्म और जो कर्म है वो अप्राकृत दिव्य और अवलौकिक है। कृष्ण जन्म लेने से पहले उन्हें चतुर्थ और देव समस्याभ्य अधिकस्य दृश्यते भगवान कहते हैं मेरे से बड़े की बात छोड़ दो जगत में मेरे बराबर भी जगत में कोई नहीं। इसलिए बोले कोई बात नहीं मैं तुम्हारा बेटा बनकर के आ जाऊँगा। सब उनको पूर्व जन्म की बात बताए बोले अभी मैं एक छोटा बच्चा बन जाऊँगा और मेरे को लेकर गोकुल में रख करके वहाँ पर एक बेटी हुई वो बेटी को ले आता ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यः। हे अर्जुन जब जब इस जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए और धर्म की हानि होने लगता है पृथ्वी गो ब्राह्मण संतों के ऊपर में अत्याचार होने लग जाते हैं तब तक मैंने इस जगत में अवतीर्ण होकर के मैंने धर्म को रक्षा करता हूँ और अधर्म को विनाश करता हूँ और संतों को दर्शन देता हूँ। कदी ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है बोले अनुग्रहाय भक्तानां करमि विविध क्रिया। बोले मैं भक्तों के ऊपर में कृपा करना चाहता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण जन्म हुए तभी तक कल हम बड़ी धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज हम भगवान कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुनेंगे। अगर प्रभु जन्म नहीं लेते फिर हम क्या सुनते हमारा कल्याण कैसे होता। इसलिए मैं धीरे धीरे जीवों का मन को ये विषय से हटा करके मेरे चरण में लगा करके मैं अपना धाम में इनको ले जाना चाहता हूँ इसलिए मैं जगत में जन्म लेता हूँ। कहती है दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण ही अभी जो हम श्रवण कर रहे थे ये प्रश्न और सुतपा कैसे कठोर तपस्या की भगवान जब दर्शन दिए बोले मेरे जैसे बेटा बनकर मेरे आप जैसे मेरे को बेटा चाहिए। बोले कोई चिंता मत करो मैं ही तुम्हारी बेटा बन जाऊंगा। वही प्रश्न और सुतपा उन्होंने देवकी और वसुदेव रूप में आए और भगवान कृष्ण उनको बेटा बनकर के आए। कहते हैं तीसरा कारण है। बोले चौथा कारण क्या है बोले द्रोण और एक धरा ये भी ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या थी। जब ब्रह्मा संतुष्ट हो गए बोले ब्रह्मा को बोले प्रभु जैसे एक स्वाभाविक रूप के बच्चा माँ की पेट से जन्म लेता है मैं चाहता हूँ मेरे पेट से आप ऐसे जन्म लो। जैसे बच्चा कभी नटखट करे मैया क्या करती है कान मोल देती है शासन करती है डांटती है उसको पलने में झुलाती हैं अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती हैं। बोले प्रभु आप मेरे घर में इसे लाला बन करके आओ मैं अपना बेटा जैसा आपको प्यार करना चाहता हूँ। वही द्रोण और धरा ये नंद जसोदा बन करके आए। इसलिए कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए लेकिन उनको पलने में झुलाया किसने गोद में उनको दूध किसने पिलाया मैया जसोदा ने। इसलिए भगवान इनकी इच्छा पूरी करने के लिए इनके घर में गोपाल बनकर के भगवान के आए।
यदि ये चौथा कारण है। बोले पंचमा कारण, आप लोग रामायण सुने होंगे, बोले जिस समय राम लक्ष्मण सीता वनवास गए थे उसी समय सुपर्ण खाने जब भगवान राम का रूप देखा तो बाबरी बन गई, बड़ी सुंदरी सा धज करके आई, बोले प्रभु मैं जैसे सुंदरी आप भी वैसे सुंदर हो, हमारा जोड़ी बड़ी प्यारी है इसलिए मेरे से ब्याह कर ले। भगवान बोले भैया ऑलरेडी मेरी सीता देखो, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। इतने में लक्ष्मण गया था जंगल से लकड़ी लेने के लिए, जब लक्ष्मण लकड़ी लेकर के आया देखा भैया ये कौन है, बोले ये मेरे छोटे भैया है। बोले भैया ये भी तो कम सुंदर नहीं, ये भी बड़े प्यारे हैं, बड़े सुलीले हैं, बोले इसको मैं पूछूं, बोले तेरी जैसे मनमानी हाँ जो करने वाले उसको कौन मना कर सकते हैं, उसको पूछ करके देख लो। लक्ष्मण को बोले, बोले मेरे से ब्याह कर लो, शादी कर लो। लक्ष्मण बोले अभी बड़े भाई से कुछ पूछ रही थी, बोले वो मेरे प्रेम को नहीं समझा इसलिए तू मेरे से शादी कर ले। लक्ष्मण ने बताया ये बताओ तू दासी बनना चाहती है ना राजरानी, बोले राजरानी, बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, अगर मेरे से शादी करोगे ना प्रभु की सेवा करते करते थक जाओगे, कहाँ रानी बनने की स्वप्न देख रहे, जाओ राम के पास में जाओ। फिर सुपर्ण का राम के पास में फिर आती है, फिर प्रभु ठोकरा देती है। सुपर्ण ने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला नहीं हूँ, मैं रावण का मैं बहनी हूँ, ये सीता जितनी गड़बड़ी करने का कारण है इसी को ही मैं खा जाती हूँ। जब उसने खाने के लिए गई इतने में राम लक्ष्मण को इशारा किया और लक्ष्मण उसका नाखन काट दिया। वही बनकर के कृष्ण लीला में फिर वही कुब्जा बनकर के आती है, फिर भगवान उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है भैया शादी नहीं करना तो मत करो कोई बात नहीं, लेकिन एक स्त्री का नाकान क्यों कटवा दी, कभी ये लक्ष्मण कौन है, बोले ये गुरु है, बोले गुरु का काम किया, बोले शिष्य को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगा। लक्ष्मण गुरु है, वो समझ गए लक्ष्मण जी ये सुपर्ण खाने भगवान को अपना हृदय में बैठा चुकी है, भगवान भी उसको स्वीकार कर लिए। लेकिन राम अवतार में भगवान एक पत्नी छोड़ करके दूसरे पत्नी को प्रभु कभी ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए एक स्त्री जितनी सुंदरी क्यों नहीं हो उसकी नाक और कान काट दो दुनिया में उसको कोई फिर पूछेगा, उसको जगत में फिर कोई नहीं पूछेगा। इसलिए लक्ष्मण ने कहा देखो केवल राम की ही बन करके रहो और किसी की नहीं। इसलिए फिर जब द्वापर युग में आती हैं उसका तो मुखमंडल बड़ी सुंदरी है, लेकिन फिर वो कुबुड़ी बन करके आती हैं, फिर वो कुब्जा बन करके आती हैं, फिर भगवान ने उसको ठीक करके उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। कहते ये भी एक कारण है, कितना कारण हो गया, पांच कारण हो गया। बोले छठवां कारण बताए, कल जब भगवान वामन देव आए बलि महाराज के दरबार में, वामन देव का बेटी का नाम थी रत्नमाला और कृष्ण भगवान स्वयं वामन बन करके आए, अद्भुत सुंदर थे बौनासा अद्भुत सुंदर भगवान स्वयं। कहते माताओं का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, अगर किसी सुंदर किसी बच्चे को देख लेना उनकी मन में इच्छा होती है इसको हम गोद में ले और प्यार दें। अभी बलि महाराज का जो बेटी रत्नमाला भगवान वामन देव को देख करके मन में इच्छा हुई, अगर ये मेरे लाला बन करके आता है ना दिन भर इसको मैं गोद में लेकर के प्यार करती, भगवान भाव को ग्रहण करने वाले, बोले कोई बात नहीं बेटा बन करके आ जाऊंगा। लेकिन जब भगवान दो पग में सब कुछ ले लिए, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, इतने में भगवान गरुड़ को बुला करके नाक फांस बंधन में बांध दी। अभी रत्नमाला सोच रही है ये तो बड़ा दुष्ट है, ये तो छोटा बौना सा था और मेरे पिता का सब कुछ हड़प लिया, फिर मेरे पिताजी को बांध भी दिया, बोले अगर तू मेरे बेटे बन करके आओगे ना तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। भगवान बोले कोई बात नहीं बेटा भी बन जाऊंगा जहर भी पी लूंगा। वही रत्नमाला कृष्ण लीला में क्या बन कर गए, हाँ ये पुतना बन कर के आई।
फिर भगवान ने उसकी इच्छाओं को पूरी किया, छठवां कारण हो गया है। इसका सप्तम कारण बताते हैं, पहले जिस समय भगवान राम जनकपुरी में गए, विश्वामित्र जी से आदेश लिए, बोले गुरु जी थोड़ा आदेश दे दो, थोड़ी सी ये जनकपुरी को दर्शन करके आओ। विश्वामित्र जी ने कहा दर्शन करना नहीं, जनकपुरी को दर्शन देख के आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किए, क्या सुंदर ठाकुर जी, एक श्याम रंग के, एक गौर रंग के, एक पीतांबर पहना, एक नीलांबर पहने, और दोनों भैया को हाथ में धनुष है। केवल 13-14 साल के भगवान, अपूर्व प्रभु का रूप है, मानो एक साथ में चंद्र और सूरज प्रकट हो गए। अभी जिस गली में जाए, एक बार जो प्रभु को देख ले, देख करके पागल हो जाते हैं, हल्ला मचा देते हैं, भैया क्या सुंदर दो बालक आए हैं। जिस गली में जाए, बोले श्री राम लक्ष्मण की जय, हम लोग भी जयकार नहीं दे रहे, बोले श्री राम लक्ष्मण की जय। अभी जिस गली में जाए, उसी गली में जय जयकार हो रहा है। अभी जितने सीता की सहेलियां थी ना, जितना किशोरियां थी, अभी राम को देख करके सब बाबरी बन रही थी, कोई झरखे से देख रही थी, कोई छत के ऊपर से देख रहे थे। लेकिन भगवान राम का एक स्वभाव था, वो कभी भी सर उठा करके किसी पराई स्त्रियों को कभी उन्होंने नहीं देखा, कभी उन्होंने नहीं देखा, हर समय प्रभु सर झुका करके प्रभु चलते थे। अभी छत के ऊपर में जो किशोरिया खड़ी हुई थी, अभी प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का तो नियम सर नीचा करके चलना, क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, वो सर नीचा करके प्रभु चलते हैं। लेकिन जो छत के ऊपर में खड़ी हुई थी, वो प्रभु का दर्शन ठीक से नहीं कर पा रही थी। अभी वो लोग थोड़ा खासे सोचे, अगर ऐसे करेंगे हो सकता है प्रभु थोड़ा सर उठा करके देखेंगे, लेकिन थोड़ा खांसने लग गई, लेकिन तब भी प्रभु सर ऊंचाई कर ही नहीं। पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे, लक्ष्मण कौन, बोले गुरु, बोले गुरु का क्या काम है, बोले ये जीव को प्रभु से मिलाना, ये गुरु का काम है। इतने में लक्ष्मण जी ने प्रभु राम से प्रार्थना की, बोले प्रभु देखो आपकी भक्त लोग ये छत के ऊपर में खड़े हुए हैं, वो आपको दर्शन करना चाहती हैं, थोड़ी सी ऊपर में देखो। राम ने कहा लक्ष्मण ये जनकपुरी मायापुरी है, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, सर नीचा करके चलो। लेकिन फिर वो सब सखियां हैं, फिर सखियां वो भी खास रही थी, बोली प्रभु थोड़ा ऊपर में देखे। इतने में फिर लक्ष्मण प्रार्थना की, बोले क्यों, बोले जब तक गुरु कृपा नहीं करते हैं ना, तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होता है। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वैष्णव रे आवेदन कृष्ण दयामय, एहे न पामरे प्रति हवन सदय। मतलब है जब हम किसी सतगुरु का आश्रय लेते हैं, जब गुरु हमारी हो करके भगवान को प्रार्थना करे, तभी प्रभु कृपा करते, नहीं तो प्रभु कृपा नहीं करते। लक्ष्मण बारंबार बोले प्रभु एक बार देखो ना, प्रभु एक बार देखो ना। इतने में प्रार्थना करने पर एक बार प्रभु राम ऊपर से देखे, जब ऊपर में देखे, वो जितनी सब किशोरियां खड़ी हुई थी, प्रभु के रूप को देखे और सबके सब बेहोश हो गए। जब इनकी होश आई, वो सबके सब राम के पीछे पड़ गए, बोले हमसे ब्याह कर लो, हमसे शादी कर लो। राम ने कहा लक्ष्मण तेरे को मैं पहले से मना कर रहा था इधर उधर देखना नहीं, अभी तू इनसे शादी कर, जाओ इनसे शादी कर लो। इतने में राम ने कहा देखो इसी अवतार में मैं एक सीता के सिवाय और किसी को मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, फिर तो तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। तो ये जितनी सबके सब थी जनकपुरी के, सीता जी की जितने सहेलियां थी ना, वही सहेलियां ही ये द्वापर युग में सबके सब ये गोपी बन करके आती हैं। कहते ये एक कारण है भगवान को जगत में आना क्यों पड़ा। इसका जो कितना कितना कारण हो गया, कितना हो, 7 हो गया। इसका 8वां कारण बताए, जब भगवान राम दंडकारण्य में पहुंचे,
बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कठोर तपस्या कर रहे थे, बड़े बड़े ऋषि लोग कठोर तपस्या कर रहे थे। अभी वो सबके सब गोपाल मंत्र पूजा कर रहे, गोपाल मंत्र में भगवान की आराधना कर रहे थे, लेकिन उनको जो आराधना तो कर रही थी लेकिन उसमें कोई उत्साह नहीं थी भजन में। लेकिन जब राम वहां पर पहुंचे, वो उपासना कर रहे थे गोपाल मंत्र में कृष्ण को, लेकिन राम और श्याम एक ही है। अभी वो राम को देख करके उनको श्याम जी याद आए, कृष्ण को याद आए। आने पर ये सब के सब भगवान राम से प्रार्थना की, प्रभु हमें अपना दासी रूप में, पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान राम ने कहा, देखो इसी अवतार में तो एक सीता के सिवाय मैं किसी को और ग्रहणी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग द्वापर युग में सबके सब गोपी बन करके आओ। और जितने दंडकारण्य आदि जितने ऋषि लोग थे, वो सारे ऋषि लोग ब्रज में ये गोपी बन करके आए। इसलिए ये जो गोपियाँ हैं ना, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साधारण कोई लड़की नहीं, साधारण कोई स्त्री नहीं, ये कठोर तपस्या करके ये सब के सब प्रभु को कृष्ण लीला में ये गोपी बन करके आए। कहते ये इसका आठवां कारण है। नवमा कारण बताए, कहते वेद का जो मंत्र था वो मंत्र भी कठोर तपस्या किए। वेद का एक एक मंत्र भगवान कृष्ण को जब कृष्ण दर्शन दिए, बोले बताओ क्या चाहिए। बोले प्रभु गोपियां जैसे आपको भक्ति की, हमें गोपियां जैसे भक्ति चाहिए। बोले ये नहीं हो सकता, और कोई चीज मांगो। बोले नहीं, हमें यही चाहिए। भगवान का कोई बात नहीं, वेद का मंत्र को बोले तुम लोग द्वापर युग में सबके सब गोपी बन करके आओ, फिर तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरी करूँगा। कहते ये एक कारण है कृष्ण को जगत में क्यों आना पड़ा, ये नवमा कारण हो गया। दसवा कारण बताए, बोले एक समय वैकुंठ से भगवान के चरण तुलसी और चंदन की खुशबू, ये वैकुंठ से ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के चार जो मानस पुत्र थे, सनक सनातन सनातन और सनत कुमार, ये पहले भगवान को निराकार निराकार मानते थे। भगवान का कोई रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, भगवान तो निराकार निर्विशेष वो ब्रह्म है। लेकिन भगवान के चरण की तुलसी चंदन की इतनी खुशबू थी, इतने सुंदर खुशबू थी, जब श्री चतुसन की नासिका में प्रवेश किया वो तो उन्माद हो गए, एकदम उन्माद हो गए। ब्रह्मा जी से पूछे, पिताजी इतने सुंदर सुगंध कहाँ से आ रहे हैं। बोले बच्चों ये वैकुंठ से ठाकुर जी के चरण तुलसी चंदन की खुशबू। बोले भगवान कितने सुंदर नहीं होंगे। बोले हाँ बेटे, कृष्ण भगवान बड़े सुंदर हैं। बोले ठाकुर को दर्शन करके आए। बोले कोई बात नहीं, जाओ ठाकुर को दर्शन करके आओ। ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले क्यों प्रसन्न हो गए। बोले ये बच्चों को मैंने जन्म दिया इसलिए इनकी प्रभु की प्रेम मिले, भगवान की भक्ति मिले। लेकिन ये कहाँ दुर्भाग्य, देखो ये भगवान को निराकार निराकार मान करके वो ब्रह्म ज्योति को ध्यान करते हैं। लेकिन इनको ये पता था जब एक बार उन्होंने भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान को दर्शन करते ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले इन्हें ही बिलो कथा आती हर सीकार, इन्हें ही बिलो कथा आती हर सीकार, इन्हें ही बिलो कथा आती हर I'm not afraid.
इसलिए जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण और जनकपुरी में पहुंचे, पहले ये जनक महाराज बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। वो भगवान को निराकार निराकार बोलते थे,
लेकिन जब उन्होंने भगवान राम को दर्शन करते ही उनकी मन में जो ब्रह्म 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 था ना, वो अपने आप कहीं अंदर ध्यान हो गया। उन्होंने पूरा राम की रूप में इतने डूब गए, फिर तो समझ गए जो राम है ना ये ब्रह्म नहीं, राम कौन है बोले परम ब्रह्म है, राम ब्रह्म नहीं, राम कौन है ये परम ब्रह्म राम है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ने देखा ये चतुसन मेरे जो बच्चे हैं ना, ये भगवान को निराकार 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 बोल रहे हैं, लेकिन अगर प्रभु के एक बार दर्शन करेंगे ना तो सब कुछ भूल जाएंगे, फिर तो प्रभु का प्रेम में डूब जाएंगे, बोले जाओ ठाकुर को दर्शन करके आओ। अभी उन्होंने 6 दरवाजा पार हो गए, 7th दरवाजा पार हो तो ठाकुर का दर्शन मिलेगा। वहाँ पर जय और विजय दोनों खड़े हुए और ये चतुसन नंगे धड़ंगे बिना पूछे अंदर में घुसते जा रहे थे। इतने में जय विजय ने अपना छड़ी लेकर के रोक लिए, बोले कहाँ जा रहे हो, और पूछो तो कम से कम ठाकुर लक्ष्मी को साथ में, अभी क्या कर रहे हो नहीं कर रहे तो पूछो तो सही, बिना पूछे मुंह उठाकर अंदर में जा रहे हो। जब उनके रास्ता रोक दिए मानो सोए हुए सर्प को हमने छेड़ दिए, चतुसन को इतना क्रोध आया, बोले हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों को पूछने का जरूरत है, हम तुमको अभिशाप देते हैं, तुम दोनों राक्षस कुल में जाओगे। अभी जय विजय तो रोने लगते। इतने में ठाकुर जी अंदर से आए, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे है, बोले देखो अगर तुम दोनों मेरे भक्त बन करके जाओगे ना 7 बाद में आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे फिर तो 3 के बाद में वापस आओगे, बताओ क्या चाहते हो। बोले प्रभु हम तो चाहते जल्दी जल्दी आपके पास में वापस आ जाए। बोले जाओ तुम दोनों राक्षस बन करके जाओ, वही पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने सत्य युग में, वही पर तृतीया युग में रावण और कुंभकर्ण बने, फिर वही द्वापर युग में शिशुपाल और दत्तवक्र बने, फिर जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं फिर ये जगाई माधाई बन करके आते हैं, महाप्रभु उनको लीला में भी लेकर के आ गए। इसलिए भगवान कृष्ण को जगत में आना पड़ा, ये जय विजय को वैकुंठ ले जाना है, इनको वैकुंठ ले जाना है, इसलिए कृष्ण अवतार में उनको आना पड़ा। कितना कारण हो गया, 10 कारण हो गया ना, और भी 3 कारण है लेकिन बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहते भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं, लेकिन अजन्मा होते हुए भी जन्म क्यों लिए, कहते ये सब कारणों को लेकर के भगवान को जन्म कृष्ण रूप में ठाकुर जी को अवतीर्ण होना पड़ा। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर दर्शन प्रकट हुए, आज हम लोग सुनेंगे कृष्ण गोकुल में श्री नंद के लाला कैसे बन करके आते हैं और ब्रज में कैसे वहां पर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहां पर कैसे वहां पर नंद महोत्सव होता है, आज हम लोग उसको श्रवण करेंगे। इसलिए आज हम लोग गोकुल में चलते हैं। कहते श्री नंद बाबा की जो पिताजी, ध्यान देकर सुनो, एकदम नई कथा है, आप लोग ध्यान देकर सुनो, ये आपके लिए नई लगेगी ये कथा, सब दुनिया जानते हैं भागवत पढ़े हुए तो आपको ये पता चलेगा कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए, लेकिन तत्वतः कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं हुए, कृष्ण प्रकट हुए हैं। बोले भैया प्रकट जन्म में क्या फर्क है, आप लोगों ने बच्चे जन्म दिए हो, कौन कौन बच्चे जन्म दिए हो, हाथ उठाओ, सबके सब बच्चे जन्म दिए, आपको पता होगा बच्चे कैसे जन्म देते हो, बच्चा जन्म हिता लेता है माँ की पेट से, और पेट से जब जन्म लेता है देखना माँ की पेट को साथ में बच्चे का जो नार होता है ना वो जुड़ी रहती है, फिर ये नार को काटी जाती है, लेकिन ये मथुरा में कृष्ण ऐसे नहीं हुई है, कृष्ण वहाँ पर चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन दिया, दर्शन देकर के भगवान उनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाए, बोले देखो अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा और मेरे को गोकुल में रख करके वहां से लड़की बन जाना, इतना बोल करके भगवान ने झट उन्होंने के छोटा बच्चा बन गए, लेकिन माँ की पेट से जैसे बच्चा जन्म लेता है कृष्ण ऐसे नहीं हुए, लेकिन ये कहाँ पर हुई, गोकुल में।
इसलिए किसी ब्रजवासी को बोलो कृष्ण मथुरा में जन्म हुए कभी नहीं मानेंगे। क्यों? आप देखना जन्म होने के बाद उसका नाड़ी कट जाती है, इसलिए जितने बड़ी बूढ़ी थी जब मैया जसोदा की कोख से कृष्ण जन्म हुए माताओं ने नाड़ी छेदन की है। बोले हमने स्वयं नाड़ी छेदन की, माँ के पेट से जुड़ी हुई थी, अब तुम बोलते हो मथुरा में कृष्ण जन्म हुए। फिर कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं हुए। अभी हम सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म लेते हैं। कहते नंद बाबा की जो पिताजी उनका नाम था परिजन बाबा, कहते उनकी पांच बच्चे थे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन, ये उनके पांच बच्चे थे। पहले लोग चार आश्रम को सही सही पालन करते थे, पहले 25 साल तक सबके सब गुरुकुल में जाते थे, जैसे अभी बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ने जाते हैं, पहले सबके सब गुरुकुल जाते थे 25 साल तक, वेद वेदांत पुराण उपनिषद उसको पढ़ते थे। जब पढ़ाई खत्म हो जाती थी फिर गुरुजी प्रश्न करते थे, बोले बेटा बताओ अभी क्या करोगे, अभी घर गृहस्थी करोगे ना अभी तुम आश्रम में रह करके भजन करोगे। जो व्यक्ति ये वेद पुराण उपनिषद को पढ़ करके सुन करके उनको पता चलता था ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये 84 लाख जन्मों के बाद एक बार मिला है, ये बारंबार ठाकुर ये मानव शरीर नहीं देते, और इसी जीवन में ही हम भगवान की भक्ति करके अपना घर में वापस जा सकते हैं, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम, जहाँ आने पर फिर जगत में जीव को भी दोबारा आना नहीं पड़ता, जहाँ पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट से परपार चले जाओ। जिसको ये ज्ञान होता था वो बोलता था गुरुजी हम और घर में वापस जाना नहीं चाहते, आपका श्रीचरण में रह करके आपकी सेवा करते हुए मुक्ति के मार्ग को हम ले चले जाना चाहते हैं, वो आश्रम में रहते थे। लेकिन जिनकी मन में संसार की ज्यादा ही वासना, बगैर शादीशुदा के रह ही नहीं सकते, जो फेल बचे बोलते थे गुरुजी हम तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते, हम तो शादी करके रहना चाहते, बोले ठीक है बेटा घर में जाओ, जा करके मनमानी शादी नहीं करना, ऐसे नहीं लव मैरिज नहीं करना, तुम्हारी पिता माता जैसे तुमको शादी करवाएंगे वरना आश्रम को लेकर के जैसे जहाँ पर शादी कराएंगे वहीं पर शादी करो, ये लव मैरिज अच्छी बात नहीं है। मैं पहले बता रहा था ना फास्ट शुरू होता है प्रेम आई लव यू, कुछ दिन बाद में आई लीव यू, फिर कुछ दिन बाद में आई किल यू, फिर कोर्ट में जा करके लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसलिए आप लोग पहले कितने बड़े बूढ़ों को देखना, आप लोगों ने कभी शादी जब हुई कभी पति को देखने के लिए गई थी, पति आपको देखने के लिए कभी आया था? नहीं। पिता माता जहाँ पर जाति वर्ण के अनुरूप जहाँ पर देख लेते थे, कभी देखने के लिए कोई नहीं जाते थे, आंख बंद करके वहीं शादी कर लेते थे। लेकिन अभी ऐसे नहीं चलेगा, नहीं लड़की का फोटो ऐसे नहीं काली से गोरी तो नहीं बना दिए, कितने लंबी है कितनी चौड़ी है कैसे क्या है पता नहीं, कितना एक बार घूम करके देखते हैं टिकेगा कि नहीं टिकेगा, लेकिन इतने करने का बावजूद भी टिकती नहीं, इतने करने का बावजूद भी नहीं टिक रही है। लेकिन ये पहले कोई देखने नहीं जाती थी, आंख बंद करके जहाँ पिता माता शादी करा दिया वहीं शादी कर लेते थे और जीवन बड़े आनंद से बीत जाता था। अगर थोड़ी सी कहीं गड़बड़ होती थी कभी लड़ाई होने पर भी कभी मन में ये नहीं आता था हम डाइवोर्स कर दे, कभी त्याग दे, कभी किसकी मन में नहीं आती थी, दो दिन बाद में फिर सही हो जाते थे। लेकिन अभी जैसे हम कुर्ता बदलाते हैं ना ऐसे बदलाते हैं, थोड़ी सी इधर उधर तू जा मैं जा रही हूँ। इसलिए गुरु जी प्रश्न करते थे बोले बेटा ये बताओ जाओ घर में जाओ, जा करके क्या करो, अपना गृहस्थ आश्रम को पालन करो। इसलिए उसको कहते गृहस्थ, गृहस्थ मतलब क्या, कहते कि गृह मेधी एक गृह व्रत और एक गृहस्थ, ये तीन नाम है। गृह मेधी गृह व्रत मतलब क्या है, जिनको सवेरे उठते ही घर में नमक है कि नहीं, दाल है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, तेल है कि नहीं, घी है कि नहीं, जिनकी दिमाग में इसकी इसकी सिवाय और कुछ है ही नहीं, दिन भर उसी में ही दिमाग जिनकी चलती रहती है,
घर को जीवन अपना जिन्होंने जिसने व्रत बना दिया। भगवान भगवान से कोई मतलब नहीं, जानवर जैसे खा पी करके बच्चे जन्म दे के मर जाओ, इसको कहते गृह मेधी। केवल दिमाग में कमा पैसा खाओ और मर जाओ, लेकिन गृहस्थ किसको कहते हैं? तब नारद जी कहते हैं, बोले गृह उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन जथोचिता वासुदेव अर्पण साख्यात उपासित महामुनि। ये गृहस्थ है, बोले धर्म पूर्वक जो रहे, धर्म पूर्वक जो पैसा कमाए और पत्नी को साथ में मिल करके भगवान की जो भक्ति करे और जो कुछ करे भगवान के लिए करे। घर में अगर झाड़ू लगाए तो हम कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं? बोले ठाकुर की दरबार में झाड़ू लगा रहे हैं। अगर रसोई बनाए तो किसके लिए रसोई बनाते हो? बोले ठाकुर जी की भोग लगेगा। बच्चे को अगर प्यार देते हो, बच्चे किसके? बोले ठाकुर जी के बच्चे, ठाकुर ने ये बच्चा दिया, बड़ा होकर के भक्ति करेगा। कमाई करते हो, बोले क्यों? बोले ठाकुर जी के लिए। जिन जो लोग भगवान की सेवा के सिवाय कुछ नहीं जानते हैं, इनको कहते हैं गृहस्थ। इसलिए गुरु जी कहते थे बेटा जाओ घर में जाओ, शादी करके पति पत्नी दोनों मिलकर भजन करना, भक्ति करना। लेकिन कब तक भक्ति करना? बोले 50 साल तक, उसके बाद में नहीं। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ, उसके बाद में देखो अंक 51, 52, 54, मतलब उसके बाद में घर में नहीं, वृंदावन का भजन के लिए घर में नहीं। इसलिए भागवत में बताया 50 ऊर्ध्वे वनम ब्रजेत, 50 साल के बाद में शास्त्र मना करता है घर में मत रहो, क्योंकि जो जीवन का उद्देश्य है अथात ब्रह्म जिज्ञासा। ये जीवन इसलिए भगवान ने दिया, गृहस्थी के लिए नहीं दिया, ये जीवन केवल प्रभु की भजन के लिए। इसलिए भगवान राम इसलिए कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये केवल 84 लाख जीवन में एक बार ये जीवन मिला है जो प्रभु का भजन कर सकते और किसी जीवन में भजन नहीं होगा। इसलिए शास्त्र मना करता है 51, 52, 54 वन में जाओ, वृंदावन में जाकर भजन करो। उसको बाद में देखो अंक क्या 59, 60, मतलब क्या फिर सठिया बन जाओ तो तुमसे फिर कुछ होने वाला नहीं। इसलिए 59, 60, 61, 62, 63, ये 60, 60, 60 है, फिर सठिया बन जाओगे तो फिर से कुछ नहीं होगी। हाँ कहते हमारे कल्याण हो सकती है, देव गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले 69, 70, 71, फिर गोस्वामी जी कहते हैं हाँ कल्याण हो सकता है। बोले कैसे? बोले गोस्वामी जी कहते हैं अगर उसी उम्र में अगर प्रभु की इच्छा से हमें कोई सचमुच से कोई सत्संग मिल जाए, भगवान के भक्तों का संग मिल जाए ना, संत लोग ही हमारे कल्याण कर सकते हैं, वो हमारी उद्धार कर सकते हैं। इसलिए देखो अगर 50 के बाद में जो 51, 52, 54 अगर वन में तुम नहीं जा पाते हो, अगर किसी का ऐसी सुविधा नहीं है, अरे कम से कम घर में तो भजन करो ना, दिन भर टीवी खोल कर के उल्टा पुल्टा पिक्चर देखते रहोगे ना, यार दोस्तों के साथ में पर ताश खेलोगे और उल्टा पुल्टा कैरम बोर्ड उल्टा पुल्टा चीज में समय को लगाओगे, अरे कम से कम घर में तो बन बनाओ, कम से कम घर में तो गीता रामायण भागवत कम से कम घर में तो भजन करो ना, दिन भर उल्टा पुल्टा चीज में लगे हुए रहोगे। इसलिए भगवान कहते अगर भजन नहीं किया फिर तो भगवान राम खुद कहते हैं हे अयोध्या वासियों सिर सर पिटते रह जाओगे, भगवान ये मानव शरीर दोबारा नहीं देंगे तुम्हें, फिर वही 84 लाख के जीवन में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनकर भटक करो, ये भगवान राम स्वयं कह रहे। इसलिए समय रहते हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए,
इसलिए कहते ना कल कर सो, आज कर सो, उसके बाद में कहते अगर कोई गंदा काम होना उसको पीछे रख दो, हो सकता है सुधर सकती है, लेकिन कोई अच्छा काम होना कहते भैया उसके लिए देर मत करो, क्योंकि जो श्वास हमने छोड़ी है दूसरा बार ले भी पाएंगे कोई बता सकता है, दूसरा श्वास हम ले पाएंगे कोई नहीं बता सकता है। इसलिए जितने जल्दी हो प्रभु की भजन में लग जाओ। देखो जिस समय भगवान राम ने लक्ष्मण को, भगवान राम ने रावण को बाण मारे, अभी रावण अभी रणभूमि में पड़ा हुआ मरने वाला, इतने में भगवान राम लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण ये जो रावण ये बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, जाओ उससे कुछ अंतिम कुछ शिक्षा लेकर के आओ। अभी लक्ष्मण गए जाकर हाथ जोड़ करके बोले भैया राम ने आपको पास में भेजे, अब अंतिम समय आपका है, आप बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, कुछ अच्छे उपदेश दो। रावण देखो क्या कहते हैं, बोले लक्ष्मण मेरे से दो गलती हो गई, इसलिए तुम कभी ये दो गलती नहीं करना। बोले क्या गलती हो गई? बोले मैं पहले ये सोच रहा था जो समुद्र का जो पानी है ना, तीन भाग जल और एक भाग स्थल, लेकिन तीन भाग जल तो है समुद्र, लेकिन वो किसकी प्यासा नहीं बुझा सकता है, क्यों? वो पानी नमकीन है, इसलिए मैं सोच रहा था पूरा समुद्र पानी को मैं मीठा बना दूं, मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं था, मैंने सोचा बनाई दूंगा कोई बात नहीं, अगर अगर समुद्र पानी को अगर पूरा मीठा बना देता है ना, जो ये पानी को पीता दुनिया बोलता भैया पानी मीठा किसने बनाया, बोले रावण ने, अपने आप में स्वर्ग पहुंच जाता। दूसरी इच्छा थी स्वर्ग के लिए मैं सीढ़ी बांधना चाह रहा था, दुनिया चाहते स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाऊंगा, ये मेरे लिए बड़ी भारी बात नहीं थी, मैंने सोचा मैं बना ही दूंगा कोई बात नहीं, थोड़ी समय जा रहा है, अगर ये दो काम अगर कर लेता ना मैं अपने आप स्वर्ग पहुंच जाता, सबका आशीर्वाद मिलता, लेकिन मेरे से ये दो गलती हो गई। लक्ष्मण तुम कभी दो गलती नहीं करना, कोई अगर अच्छा काम हो इसलिए कल कर सो, आज करो और आज कर सो अब, इसलिए जगत में सबसे जो बढ़िया काम है ये भगवान की भक्ति, और उससे बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन हमने उसको उल्टा बना दिया, बोले आज कर सो कल करो और कल कर सो परसो, जल्दी जल्दी क्या करते हो पढ़ा रहा है परसो है, इसलिए हम ये चीज को ना थोड़ा उल्टा बना दिया। अभी क्या भजन करेंगे? अभी कोई भजन करने का उम्र है? अभी तो घर गृहस्थी करो, जब बूढ़ा हो जाओगे रिटायर्ड लाइफ भी होगा, एक दो मला कर लेना, लोगों का ये धारणा है। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, कहले क्या शिक्षा देते हैं, ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवतम दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अधुर्वम अर्थदम। बोले जिस समय बच्चों के साथ में प्रहलाद खेल रहे थे, प्रहलाद बच्चों को बोले बच्चों आज एक नया खेल खेलेंगे, अगर बच्चों को बोलना नया खेल बड़े खुश हो जाते हैं, बोले क्या नया खेल, बोले बैठ जाओ, जब बैठ जाओ बोले एक काम करो ताली बजाते हुए थोड़ी ठाकुर का नाम लेंगे। अभी प्रहलाद महाराज जो बोले ताली बजाते हुए ठाकुर का थोड़ा भजन करेंगे, जैसे साधारण बच्चे प्रश्न करते हैं ना, अभी से क्या भजन करना, अभी तो हम बच्चे हैं, बच्चों ने वही बात बताई, बोले प्रहलाद अभी से भजन की बात तो क्या बोल रहे हो, अभी तो हम लिखाई पढ़ाई करेंगे, उसको बाद में फिर नौकरी चाकरी करेंगे, फिर शादी शुदा करेंगे, फिर बच्चे होंगे, जब उनकी शादी शुदा हो जाएगी, जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा, एक दो माला हम कर लेंगे, अभी से तुम क्यों भजन की बात कर रहे हो। देखो ये प्रहलाद महाराज स्वयं ये श्लोक कह रहे हैं, बोले बच्चों बोले कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो 5 साल उम्र से ही प्रभु की भक्ति करना शुरू करो। बच्चों ने पूछे क्यों, अभी से क्यों, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे। बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम, बोले तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है? किसको पास में कोई गारंटी कार्ड है? इतने साल तक हम जिंदा रहेंगे कोई बोल सकता है हम इतना साल तक जिंदा रहेंगे? बोले कोई गारंटी कार्ड तुम्हारे पास में है क्या? अब न्यूज पेपर पढ़ो, कैसे कैसे लोग आते आते कहीं एक्सीडेंट खत्म, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट, कहीं आतंकवाद ने बम मार दिए, अब कितने तरह तरह से लोग मर रहे हैं। तब बच्चों ने कहा अगर इसी जीवन में नहीं होगा फिर अगले जीवन में करेंगे। बोले बच्चों
दुर्लभम मनुष्य जन्मन, ये जन्म भगवान बारंबार नहीं देते हैं। तब बच्चों ने पूछा, प्रहलाद ये बताओ ये बचपन से भक्ति करने क्या क्या जरूरत है? आप लोग ध्यान देकर सुनो, सभी यही प्रश्न करते, सब यही बात कहते हैं, अभी से क्यों भजन करें? आप लोग ध्यान देकर सुनो, वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। उन्होंने 5-6 एग्जाम्पल दिया। पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जब मिट्टी जब कच्चा हो ना, कच्चा मिट्टी से आप जो कुछ बनाना बना सकते हो, लेकिन जब मिट्टी पक जाती है फिर उससे कुछ बनेगा? पका हुआ मिट्टी से कुछ बन सकता नहीं, मिट्टी जब कच्चा हो, कच्चे मिट्टी से जो कुछ बनाना बना सकता हो। दूसरा उदाहरण दिए, जब फूल खिला हुआ हो वो फूल को ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल जब मुरझा जाए, सूख जाए, फिर वो फूल क्या फिर चढ़ेगा? वो फिर फूल नहीं चढ़ता है। तीसरा उदाहरण दिया है, जब कोरे कागज हो ना, अब कोरे कागज में जो कुछ लिखना आप उसमें लिख सकते हो, लेकिन कागज के ऊपर में जब एक बार लिख जाती है फिर उसको ऊपर फिर लिखा जाता है? फिर नहीं लिखा जाता है। फिर उन्होंने चौथा पंचमा उदाहरण दिए, जब पेड़ छोटा होना, उसको उखाड़ करके आप कहीं बो दो, देखना वो पेड़ तो जम जाएगा, लेकिन जड़ जब ज्यादा अंदर में चली जाए, उसको उखाड़ करके फिर कहीं लगाओ, फिर वो जम नहीं सकती है। बोले बच्चों, कहते हो रिटायर्ड लाइफ में भजन करेंगे? बोले हाँ। बोले सरकार क्यों रिटायर करता है? देखता है जब, और ये किसी काम का नहीं रह गया, अभी 7-8 घंटा बैठ कर काम नहीं कर सकता, ये सब इनाम देनी। बोले भैया जो कुछ होना हो गया, अपना घर में जाओ, अपना घर में बैठो, तुम्हारे सारे काम हो गया। बोले जब साधारण सरकार तुम्हें निकाल दिया काम से, बेकार हो गए, और जो भगवान की भक्ति जो सबसे दुर्लभ है, फिर वो भक्ति में कैसे करोगे? तो उन्होंने लास्ट एग्जाम्पल दिया, बड़ा सुंदर बात बताया। बोले बच्चों, बोलते हो ना बुढ़ापा में भजन करके? बोले हाँ। बोले मैं तुम्हारी जीवन का हिसाब देता हूँ, मानो एक व्यक्ति 100 साल जिंदा रहेगा। बोले हाँ। बोले 3 आधा रात आधा? बोले हाँ। बोले आधी रात तो 100-100 करके बीत जाए, 50 साल गया तुम्हारी, कितना रह गया? 50 साल। 50 साल में बचपना 10 साल तक चली जाती है, खेल कूद करते हुए कितना हो गया? 50 और 10 कितना हो गया? 60 हो गया। बोले 25 साल तक तो जैसे CA करो, नहीं तो इंजीनियरिंग करो, नहीं तो डॉक्टरी कुछ करो, 25 साल तो लगी जाती है। 25 साल गया तो 50 और 25 कितना हो गया? 75 हो गया। अभी कितना बच गया? 25। 25 साल में जो 80 साल से लेकर के जो 100 साल तक जो जीवन है, ऐसे बुढ़ापा आती है, कान में सुनना बंद हो जाती है, आंख में देखना बंद हो जाती है, कमर टेढ़ी हो गई, बैठ तो उड़ नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पर कुछ कुछ माताएं हैं, आप देखना कितना उम्र है, 50-60 साल के, अभी तक भी नीचे नहीं बैठ पाते, और बैठ तो 1000 बार इधर उधर कर रहे हैं, इधर उधर ठीक से बैठ, 50-60 साल की अवस्था हो जाती है, और वो बन रहे 80। यहाँ पर कोई 80 साल के? 80 से लेकर 100 साल तक केवल शरीर का चिंता, और कोई चिंता नहीं रहती है। आज कान खराब, कल आँख खराब, कल टेढ़ी हो गई कमर, चल नहीं पाती ही। ये तो, और बीच में रह गया 5 साल। 5 साल में कितने कामनाएं, बच्चों को ठीक से लिखा पढ़ा सिखाना, उनको शादी शुदा कराना, फैक्ट्री बनाना, मकान दुकान बनाना, 1000 इच्छाएं। 100 साल हो गया ना, देखना 200 साल का प्लानिंग बना कर हम बैठे। तो बोले बच्चों बताओ, तुम बता रहे हो बुढ़ापा में भजन करोगे, पूरा जीवन का मैंने तुमको हिसाब दिया, बताओ तुम्हारे समय कहाँ भजन करने का? इसलिए बच्चों, जीवन में जाना बड़े दूर तक, ठाकुर तक पहुंचना है, अभी बचपन में अगर चलना शुरू करोगे ना, हो सकता है अंतिम समय में भगवान तक पहुंच जाओगे। इसलिए बोले कौमार आचरित प्राज्ञम, इसलिए जो बुद्धिमान है 5 साल से उनको प्रभु की भक्ति करना शुरू कर देनी चाहिए। आप बताओ ध्रुव प्रहलाद ने जो भजन की, आप बताओ तो कितने साल के थे? बोलो कितने साल के थे? ध्रुव महाराज कितने साल में भजन किए? 5 साल में। प्रहलाद महाराज कितने साल से? मीरा कितने साल से? हनुमान कितने साल से? तुलसीदास कितने साल से? अगर जितने संतों का चरित्र पढ़ोगे ना,
कोई भी एक संतों का जीवन देखोगे नहीं, कोई बूढ़ा बनकर के भजन किया, किसी ने भी बूढ़े बनकर भजन नहीं किया। देखो आप लोग देख लो, आप लोग स्वयं देखो, आप सोचो 10 मिनट हम ठाकुर को सामने बैठेंगे, ठाकुर को याद करेंगे, केवल 10 मिनट बैठो, देखना 10 मिनट में आपका मन एक मिनट भी नहीं लगा सकते हो। आप स्वयं देख लो, 10 मिनट केवल बैठो, उसमें एक मिनट मन में नहीं लगेगा। आंख बंद करते बेटा बेटी नाती पोती दुखिया दुकान मकान, क्यों? रील में जो भरा हुआ वही निकलेगा ना, रील में तो जिंदगी भर कीचड़ को भरे। और सोचे भगवान को याद करें, भैया जो भरोगा तो निकलेगा वही। अगर भक्ति अगर भरा हुआ होता तब तो भक्ति निकलेगा, लेकिन तो भक्ति तो भरी नहीं मैंने, दूसरे दूसरे चीज को भर दिए, फिर भजन में कैसे मन लगेगा। इसलिए प्रहलाद कहते हैं भैया बचपन से प्रभु की भजन बचपन से करो, बुढ़ापा में नहीं। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ मेरे साथ दो मिनट हरिनाम कर लो, बोला हरे कृष्णा। देखो इसलिए आपसे हम हरिनाम कराते हैं, कम से कम 7 दिन तक ऐसे हमारे ऊपर में रंग चढ़े, जब हम घर में जाए ना कम से कम थोड़ा रंग हमारे ऊपर से बने रहे। इसलिए कम से कम कथा में थोड़ी थोड़ी भगवान की हम नाम करवा देते हैं, यही धन ही अंतिम समय में हमारी काम में आने वाली है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे बेटों को बुलाए। देखो बच्चों, तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी शुदा हो गई,
अभी मेरा ऊपर 50 साल की हो गया और हमें जान बुझ करके टांग गड़ा करके रहने नहीं चाहिए, फिर तो नहीं तो बहुओं से फिर लड़ाई झगड़ा होगी है। इसलिए बहू चाबी काठी मांगने से पहले दे दो, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा होगी। इसलिए अभी हम चाहते हैं हम दोनों पति पत्नी अभी बान प्रस्थ में जाए और भगवान की भक्ति करें। बच्चों ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, अब जाओ भगवान की भक्ति करो। बोले सबसे जो बड़ा बेटा का मैं राज सिंहासन में बैठना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा बेटा ने कहा देखो पिताजी, यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का मेरी योग्यता है नहीं, राजा बनने का लायक तो सिर्फ नंद। इसलिए मझला बेटा नंद को आप सिंहासन में बैठा दो, सब प्रजा खुश हो गए। बोले बात सही बता रहे, क्योंकि उसका नाम ही नंद है। नंद मतलब क्या है? आनंदित इति नंद, जो सबको आनंद दे, सब प्रजाओं को आनंद दे और जीव को जो आनंद प्रदान करे। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो उन्होंने मझिला बेटा को उन्होंने सिंहासन में बैठा दिया, बैठा करके उन्होंने प्रभु की भक्ति करने के लिए चले गए। अभी चार भाइयों का तो बच्चा है लेकिन नंद बाबा का कोई बच्चा नहीं। सारी प्रजा सोच रहे हैं भविष्य में सिंहासन ऊपर संभालेगा। अभी धीरे धीरे मैया जसोदा की उम्र बीतते जा रही है बच्चे होने का। उन्होंने घर में एक बच्चा, उन्होंने यज्ञ किया, तीर्थाटन किया, दान उन्होंने सब कुछ किया लेकिन घर में बच्चा नहीं हुआ। एक दिन मैया जसोदा दुखी होकर के रो रही थी, बैठ करके बड़ी जोर जोर से रो रही थी। लेकिन अभी तक भी मेरे गोद से कोई बच्चा जन्म नहीं लिया। नंद बाबा ने उनको समझाए, बोले देख नंद बाबा, बोले देखो हमने सारे व्रत रखे लेकिन अभी तक हमने एक व्रत नहीं रखे। बोले कौन सा व्रत नहीं रखे? बोले एकादशी द्वादश युक्त जो एकादशी व्रत है ना, वो एकादशी व्रत हमने नहीं रखे। इसलिए ये एकादशी व्रत को कहते हैं ये कल्पतरु व्रत है। कल्पतरु व्रत मतलब होता है, ध्यान देखते सुना, ये एकादशी करके आप जो कुछ मांगोगे ना सो मिलेगा। तब नंद बाबा जसोदा ने कौन से एकादशी की? पुत्र एकादशी। ये दोनों ने ये पुत्र एकादशी व्रत किया है, मतलब जिसकी घर में संतान नहीं अगर ये व्रत रखे तो पुत्र एकादशी उसको पुत्र की लाभ होती है। एक एकादशी का नाम है पाप मोचन, जिसको करने से जीवन का सर पाप नष्ट हो जाती है। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, जिसको करने से जीव संसार बंधन से जिनको मुक्ति मिल जाती है। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, जिसको करने से जन्म मृत्यु से मुक्ति होती है। एक का नाम है विजया, जिसको करने से संसार में तुम्हारी जय जयकार विजय प्राप्त होगी। इसलिए एकादशी कल्पतरु व्रत बताया, मतलब है ऐसे कोई चीज नहीं जो एकादशी व्रत करने से आपको नहीं मिलता। हर एकादशी के अलग 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 फल देखो, अलग अलग फल हर एकादशी को। इन्होंने ये एकादशी व्रत द्वादश युक्त उन्होंने एकादशी व्रत की। तो एक दिन नंद बाबा ने एक दिव्य स्वप्न देखा, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई स्वप्न देखो सही होता है। उनने क्या स्वप्न देखा? आकाश मार्ग में दो बच्चे भ्रमण कर रहे, एक तो भगवान कृष्ण और उनको पीछे 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 एक एकदम चमकते हुए बिजली जैसे एक सुंदर एक लड़की। और उन्होंने देखा स्वप्न देखते देखते वो दोनों बच्चे आ करके श्री नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया और नंद बाबा के हृदय से जाकर के फिर उन्होंने जसोदा के गर्भ में उन्होंने जाकर प्रवेश किया। उन्होंने ये स्वप्न देखा और स्वप्न देखते ही और क्या स्वप्न देखा? बोले श्यामा चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवाकस्थले पयोधार स्फोट मसौ क्रीड़ाते। उन्होंने ये स्वप्न देखा और ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न है ना करके सही होता है। अभी दोनों का नींद खुल गई, नींद खुल गई तो नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। बोले मैंने भी एक स्वप्न देखा, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। नंद बाबा बोले मैंने देखा तेरी गोद में एक सुंदर श्याम रंग का बालक पड़ रहा है और तुम्हारी स्तन पान करते समय ये दोनों धार से दूध बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, देखा सचमुच से तेरी गोद में एक बच्चा है। मैया बोली मेरे स्वप्न सुन लो। बोले बताओ। बोले मैंने भी स्वप्न देखी है, एक सुंदर बालक मेरे पीछे पीछे माँ 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 करते करते आ रहा है और कपड़ा खींच करके बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिला ले। वो मचल रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से कोई बच्चा है।
और उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भ धारण की और पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, भैया मैया जसोदा की लाला होने वाला है। और जितनी ब्रज की गोपियां थी ना, वो छह महीना पहले 84 गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखी, बोले नंदे के लाला होगा ना, हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। हाँ देखो, एक होता है गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार माताएं सुन ध्यान दे करके, एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का मतलब होता है, अगर गर्भ में तुम्हारी बच्चा है, अगर आप प्रभु की सुंदर सुंदर कथा सुनो, गीता रामायण भागवत पढ़ो, देखना वो बच्चा इतने संस्कारी बनेगा, इतने अच्छे संस्कारी बनेगा, वो परम भक्त बनकर जन्म लेगा, पिता माता की जिंदगी भर सेवा करेगा। आप लोगों ने रामायण देखे होंगे, जब माता सीता गर्भवती थी, रामायण देखे हो टीवी में, कौन कौन देखे हो? अब देखना, जिस समय मैया सीता गर्भवती थी, भगवान राम ने सारे साधु संतों को उन्होंने बुलाया, बुला करके उन्होंने सीते को बोले, सीते तेरे को पता आज हमने ये साधु संतों को क्यों बुलाया? बोले क्यों? बोले तू अभी गर्भवती हो, अगर इसी समय में तू अगर प्रभु की कथा सुनोगे ना, बच्चे बड़े संस्कारी बनेंगे। उनकी दो बच्चे कौन हुए? लव और कुश हुए। देखे हो लव कुश को, क्या ज्ञानी, क्या उनका अंदर में पराक्रम, सबको उन्होंने धराशायी कर दिया लव कुश ने, इसलिए इसको कहते गर्भ। आप लोग महाभारत सुने हो, महाभारत कौन कौन देखे हो? आप देखना, जिस समय कुरु पांडव युद्ध हो रहा है, अभी द्रोणाचार्य ने चक्र व्यूह की रचना की, लेकिन ये चक्र व्यूह केवल एक अर्जुन जानता और कोई नहीं जानता, इसको नहीं सिखाया, लेकिन अभिमन्यु ने कहा मैं जानता हूँ। बोले तुमको सिखा कहाँ से? बोले मैं जब अपना माँ की गर्भ में, सुभद्रा की गर्भ में था, एक दिन माँ और मेरे पिताजी सो रहे थे, मेरी मैया सुभद्रा मेरे पिताजी को पूछा ये चक्र व्यूह क्या होता है। अर्जुन ने चक्र व्यूह मेरी माँ को सुना, चक्र व्यूह में कैसे प्रवेश करोगे तो ये तो सुना दी, लेकिन निकलोगे कैसे ये बताना चाह रहे थे अर्जुन, मेरी माँ सो गए इसलिए मेरे पिताजी सुनाया नहीं, इसलिए मेरे को याद है कैसे प्रवेश करना। देखो ये गर्भ संस्कार कितने बहुत बड़े संस्कार है, इसलिए आप लोग देखना, किसी किसी की बच्चा तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बड़े पिता माता के चरण छुएंगे, पिता माता जो बोलेंगे वही करेंगे, लेकिन ऐसे कुछ बच्चे होते हैं इतने उद्दंड होते हैं, पिता माता की बात ही नहीं सुनते, बात नहीं सुनते, बोले इसकी किसकी दोष? बोले माँ की दोष है। अगर गर्भ में रहते हुए अगर उल्टा पुल्टा पिक्चर देखोगे, डिस्को डांस उल्टा पुल्टा देखोगे, बच्चा दुष्ट बनकर आएगा और गुंडा बनकर आएगा गर्भ से। अगर गर्भ में बच्चे है, गीता रामायण पढ़ोगे, देखोगे बच्चा इतने संस्कारी बनकर के आएगी, इतने पिता माता की सेवा करेगी, इसलिए उसको गर्भ संस्कार कहते हैं। इसलिए माता जसोमती जब गर्भ में, जब कृष्ण थे प्रभु की भगवान की, बड़ी सुंदर सुंदर उनको तस्वीर दिखाते थे, उनको सुंदर सुंदर रामायण पढ़ाया जाता था, रामायण पढ़ती थी। पहले तो यही करते थे, पहले टीवी स्मार्टफोन इंटरनेट कुछ नहीं होता था, समय होता था, लोग एक गीता रामायण भागवत यही पढ़ते थे, इसलिए बच्चे अच्छे संस्कार बन करके बच्चे आया करते थे। अभी पहले तो मशीन नहीं होता था, लेकिन बड़ी बूढ़ियों का कुछ अनुभूति होती थी। एक बड़ी बूढ़ी ने बताया मैया जसोदा को, बोले जसोदे लगता है तेरे गर्भ से लाला जन्म लेगा। बोले कैसे? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, मतलब तुम्हारी गर्भ से बच्चा बेटा होने वाले। एक बड़ी बूढ़ी ने बताया, बोले मैया जसोदे तुम्हारी कुंवारी पड़े में कोई जुड़मा किलत नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले लगता है तेरे पेट में दो बच्चे, सचमुच से कृष्ण और जोग माया ये दोनों बच्चे मैया जसोदा गर्भ में ये दोनों बच्चे थे। अभी ब्रज में जय जयकार हो रहा है, क्यों? आज भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले। और नंद बाबा की एक बहन थी जिनका नाम थी सुनंदा, ये सुनंदा ने जब देखा भाभी ने गर्भ धारण की, वो 6 महीना पहले सागर घर में बैठी थी। बोले क्यों? बोले भैया की जब बच्चा होगा ना, मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। वो 6 महीना पहले से आकर घर में बैठी गई, अभी घर का सारे काम काज वो सुनंदा कर रही थी, लेकिन आज ऐसे लग रहा था मानो आज ही घर में संतान की जन्म होने वाला है, ऐसे लग रहा था। इसलिए गांव में सबके सब 8 बजे तक जगे रहते थे, उसको बाद में सो जाते थे। बोले एक काम करो,
2 घंटा 2 घंटा की ड्यूटी लगवा दो, मजरा ढोलकी दे दो, कीर्तन करते रहे। अब सबके सब कीर्तन कर रहे थे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय 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 वसुदेव महाराज आए मथुरा से कृष्ण को लेकर के। मैया जसोदा ने 2 संतान जन्म दी, कहते कि कृष्ण और एक जोगमाया। हाँ देखो, मैया जसोदा ने 1 कृष्ण जोगमाया जन्म दी, फिर वसुदेव महाराज मथुरा से भी 1 कृष्ण आए लाए। कृष्ण कितने कृष्ण हो गए, फिर 1 कृष्ण गया गांव में, ये तो 2 कृष्ण हो गए, फिर 1 कृष्ण गया गांव। बोले श्री वसुदेव महाराज जो कृष्ण को लाए वो मथुरा से कृष्ण है, वो अंश कृष्ण, लेकिन मैया जसोदा जो कृष्ण जन्म दी ये पूर्ण कृष्ण है, अंश पूर्ण कृष्ण। इसलिए जो मथुरा से कृष्ण को जो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण उन्होंने अपना शरीर में ले लिया, दोनों मिलकर के 1 हो गया, लेकिन ये रहस्य किसको पता नहीं चला। लेकिन कृष्ण दोनों का ही बेटा है, पूर्णतम रूप में नंद का और पूर्ण रूप में श्री वसुदेव महाराज का, दोनों भी 1 हो गए। लेकिन कब उन्होंने आए और कब अदला बदला करके ले गए किसको पता ही नहीं चला। यहाँ से बेटी को लेकर चले गए, सबके सब जोग माया निद्रा में सोए पड़े हुए। इतने में सुनंदा की आँख खुली, देखा सबके सब सोए पड़े हुए, बोले भैया भाभी का क्या हालत है देखो। देखा मैया जसोदा तो अचेत होकर पड़ी हुई और कृष्ण गोद में किलकार मारते हुए खेल रहे। बोले भैया किसको पता ही नहीं चला कृष्ण का भी जन्म हुए। चलो श्री नंद बाबा को सबसे पहले ये खबर देती हूँ, क्योंकि मेरे को नवला की हार मिलेगी। सुनंदा ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में देखा नंद बाबा माला जप कर रहे थे, उनसे माला जप नहीं हो पा रहा था। सोच रहे थे घर में लाला कब है, वो छोरा कब है, वो लाला कब है, ऐसे सोच रहे थे। इतने में सुनंदा ने आकर के बोले भैया कमाल है गए हुए। इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दिया, बोले बहन कहाँ गए हुए, बोले बताओ मेरे को क्या मिलेगा। बोले ले नवला की हार तू ले ले। बोले भैया बात इतने बड़ी है, जिसको सामने नवला का हार भी कुछ नहीं, बताओ और क्या मिलेगा। बोले जमुना किनारे में गैया जितने चरते हैं ना, जमीन जगा तेरे नाम पर लिखा दिया, आज से सब जमीन जगा दे दिया। बोले भैया बात इतने बड़ी, वो जमीन जगा तो उसको सामने कुछ नहीं। बोले क्या क्या बात है, बोले बताओ और क्या दोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी का टिकू ले, जो इच्छा खोल करके ले लेना, लेकिन ये बता तो सही घर में कहाँ भयो है। बोले बाबा तेरे घर में लाला भयो है, बोले श्री नंद के लाला हर कोई जयकार जोर से रख दो, भगवान जन्म हुए, बोले श्री नंद के लाला नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए। लेकिन कितने उन्होंने यज्ञ तपस्या, कितने व्रत उसने किए, एक घर में लाला की जन्म हो जाए। जब पहला बार लाला की मुख दर्शन की, उनने संकल्प कर लिया 20 लाख गैया में ब्राह्मण का दान दूंगा और 7 तिल का पर्वत ब्राह्मण का दान दूंगा। बोले सारे संतों को बुलाओ, इनसे आशीर्वाद दिलाओ बच्चों को, सारे ब्राह्मण को बुला करके और एक नाई को भेज दिए, बोले जाओ ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, नंद के लाला भयो है सबके सब बधाई देने के लिए। और जितने गोपियां थी ना, 84 गज के लहंगा चुंदरी और अलंकार पहन करके, दूध दही मक्खन मिश्री लेकर के, सर पर मटकी में रख करके सबके सब बधाई देने के लिए आ रही हैं। कान में कुंडल पहन रखी थी, वो कुंडल बड़े जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों, बोले तुम लोग जाने से पहले हमें छोड़ दो,
हम जाकर के कृष्ण को बधाई दे। चोटी में जो फूलों की माला से श्रृंगार की थी, एक एक फूल गिरते गिरते इनके चरण में गिर रहा था। बोले किस लिए? बोले जो लोग कृष्ण को बधाई देने जा रही हैं उनकी चरण की हम पूजा करनी चाहिए। अभी जितने माताएं थी, मैया जशोदा को बधाई दे रही थी। देखो जितने माताएं बैठी है ना, सब गोपियां हैं। मैं बोलूंगा मैया जशोदा बधाई हो, आप लोग सबके सब बोलना बधाई हो, क्या बोलोगे? जोर से बोलना, पहले आपका नंबर फिर भैया का नंबर है। अब कंपटीशन होगा कौन कितने जोर से बोल सकता है। ठीक है, जोर से बोलना, बोले मैया जशोदा बधाई हो। लगता है आज अभी नवरात्रि चल रहा है ना, इसलिए लगता है माता जोर से नहीं बोल। आनंद आया लेकिन पूरी नहीं आया। जोर से बोलना और एक बार, बोले मैया जशोदा बधाई हो। मैया जशोदा बोली बधाई हो ब्रज की गोपियों, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बुरी उम्र में भी मेरे को लाला की मुख दर्शन करने को मिलो है। लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों को लाला है। और जितने बड़ी बूढ़ी माताएं कृष्ण को बधाई दे रही थी, आशीर्वाद दे रही थी, बोले क्या दे रही थी? बोले जुग जुग जियोरी जशोदा मैया तेरो ललना, 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 बधाई दे रहे थे। देखो अब लोगों का भी तक अब लोगों का भी बारी आएगा। मैं बोलूंगा नंद बाबा बधाई हो, अब लोग जोर से बोलना बधाई हो। देखेंगे गोपियां जितना आप जीतते हो। ठीक है, बोले नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। अरे देखो बाबा ने ये बहुत गड़बड़ी कर दी, इनकी पक्के ले लिए, हाँ ये गड़बड़ी कर दी। लेकिन जो कुछ हो, लेकिन राधा रानी हर समय इनकी पार्टी जीतती है, राधा रानी का पार्टी। इसलिए वृंदावन में क्या बोलते हैं? श्री, जोर से बोलो और जोर से, क्योंकि राधा रानी जितने पर है ना कृष्ण खुश होते हैं। अगर कृष्ण जीत जाते कृष्ण खुश नहीं होते हैं, लेकिन राधा रानी को जीता करके कृष्ण खुश होते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, अभी सबके सब बधाई दे रहे थे और बड़े धूमधाम से सबके सब गीत गा रहे थे। सबके सब जितने बड़े बड़े लोग भी बधाई दे रहे थे। इतने में सबके सब आ गए बधाई देने के लिए। अभी केवल दो व्यक्ति बाकी है। बोले दो व्यक्ति कौन बाकी है? एक वृषभान महाराज और उसी कृतिका मैया। ये नंद बाबा की जो मैया, श्री राधा रानी की जो पिता माता, अभी यही दोनों बाकी रह गए। देखते देखते श्री वृषभान महाराज कृतिका सुंदरी प्रवेश की। मैया कृतिका बड़ी सुंदर सर धज करके हैं, बड़े सुंदर सर पर मटकी में दूध दही मक्खन लेकर के आए। इतने में एक गोप ने किया कि एक लठिया लेकर के कृतिका सुंदरी की सर के ऊपर जो दूध दही मक्खन था वो लेकर के मारी। मारते मटकी फूट गई और श्री कृतिका मैया तो दूध दही में स्नान कर दिया। एक दही का भी होता है, दही में हल्दी और उसमें घी मिला करके एक दूसरों के ऊपर लगाते हैं। इसलिए सबके सब लगा रहे थे और इतने दही लाए थे, वहां पर कीच कीच मच गई और फिसल फिसल करके एक दूसरों के ऊपर में गिर रहे थे और सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। सबके सब गा रहे थे। इतने में एक बड़ी बूढ़ी गोपी जिनकी एक भी दांत नहीं, वो आई थी देखने के लिए और मक्खन के ढेले को ढेले उठा उठा करके एक दूसरे को ऊपर फेंक रहे थे। वो बुढ़िया कहीं से देख रही थी, बोले भैया बड़ी जोर की नंद महोत्सव है रही है।
एक गोपी ने उठाया एक मक्खन की डेला और माता जी की मुंह को लक्ष्य करके सीधा मारे और उसको तो एक दांत थी नहीं और मुंह में लगा ना अंदर में सीधा सटक गया। बोले भैया नंदन महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, कोई भूखे नहीं रहते हैं। वहां पर नंद बाबा राजा है और उनका तो राज्य, उनका तो राजमहल, इनका जो आंगन बहुत बड़ी आंगन थी, इतने दूध दही मक्खन लाए थे, पूरा दूध दही से भर गया, ऐसे लग रहा था जैसे खीर समुद्र प्रकट हो गया। इतने में सब के सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन नंद बाबा बैठी बैठ करके देख रहे थे। इतने में नंदगांव बरसाना का जो गो गोपाल नंद बाबा, आज तेरे घर में लाला भयो, देखो सबके सब नाच रहे हैं और तू बैठ बैठ कर देख रहे हो, कम से कम आज तक नाच ले। नंद बाबा को पकड़ करके बीच में ले आए। नंद बाबा देखने में कैसे, बोले एकदम गौर वर्ण के गोरे रंग के, लंबे चौड़े, कृष्ण के पिता इंद्रा ना, एकदम लंबे चौड़े सुंदर, अपना कमरे में एक फेटे बांध करके रखे थे। एक तरफ में नंदगांव के गो, दूसरे तरफ में बरसाना का गो पकड़ लिए, पकड़ करके बीच में पकड़ करके ले आए। तब हमारे श्री कवि कर्णपुर बड़ा सुंदर वर्णना करते हैं, बढ़िया वर्णना करते हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे देवता दैत्य मिल करके ये लवण समुद्र के मंथन किया। सबसे पहले बीस निकला, जिसको शंकर जी पान किए तो जिनका नाम हो गया नील कंठ नाम हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कौन निकले, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाभ महामना, यहाँ पर स्वयं आनंद कंद कृष्ण स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए। कल जो हम लोगों ने कथा सुनी थी वहां 14 रत्न निकला था, लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं, हे परखी जब कृष्ण जन्म हुए नंद बाबा इतने सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटे लुटाए, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध करके ले नहीं पा रहे थे और गठली से गिरते 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 जा रहा था, अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखर रहा था। मानो ऐसे लग रहा था कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी अली गलियों में माँ लक्ष्मी नाच रही है, इतने हीरे जवाहरात वहां पर बिखर रहा था। और वहां पर स्वयं श्री भोले बाबा भी आए थे। कहते भोले बाबा का वाहन कौन है आप लोग बताओ तो, भोले बाबा का वाहन कौन है, नंदी। लेकिन नंद बाबा ने, उन्होंने 20 लाख गैया उसने दान दिए, 20 लाख गैया। अभी शंकर तो चक्कर में पड़े थे, बोले क्यों, बोले नंद बाबा इतनी गैया दान दे रहे हैं, भैया मेरा वाहन भी नंदी, अगर इसको गैया मान कर अगर दान दे देंगे ना फिर मैं जाऊं कैसे, मेरे वाहन चला जाएगा तो फिर चल करके जाना पड़ेगा। शंकर जी डरते हुए नंदी की पूछ को पकड़ लिए, मेरे नंदी भैया दान में नहीं चली जाए। अभी मैया पार्वती भी आई थी, मैया पार्वती की दो लाला है, कौन कौन है, कार्तिक और गणेश। गणेश का सर कैसे, गजानन हाथी के जैसे, इसलिए बोलते ना हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अभी माता पार्वती डर गई, बोले क्यों, बोले नंद बाबा इतने हाथी घोड़ा दान दे रहे हैं, अगर भूल से मेरे लाला को अगर हाथी मान करके दान में दे देंगे ना फिर बढ़िया मेरा बेटा ही चला जाएगा। मैया तो डर के मारे गणेश जी को गोद में उठा ली और चुपका करके खड़ी हुई थी। वहां पर कुबेर थे, ये कुबेर कौन है, जितने रुपया पैसा धन दौलत के जो मालिक है वो कुबेर भी आए थे। लेकिन नंद बाबा इतने दान दे रहे थे, जिस दान को देख कर कुबेर स्वयं लज्जित हो गए, बोले भगवान मेरे को झूठ मूठ का कुबेर क्यों बनाए, आज नंद बाबा इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात दे रहे हैं, कोई लेने वाले नहीं रह गए, एकदम रोड के ऊपर में हीरे जवाहरात बिखर रहा है, कोई लेने वाले नहीं, इतने आज संपत्ति ये नंद बाबा का घर में आ गई। बोले क्यों, इतने संपत्ति कहाँ से आ गई, बोले जब भगवान कृष्ण जन्म हुए उनकी जो पराशक्ति स्वरूप शक्ति श्री राधा रानी भी वहां पर आ गई। राधा रानी ने आदेश दी आज मेरे प्रियतम की जन्म तिथि में इतने दान पुण्य की जाए, रिद्धि सिद्धियों का आदेश दी, इतने लुटाए नंद बाबा
जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक याद रखे मेरे प्रियतम कृष्ण की बांके बिहारी जी की जन्म उत्सव में नंद बाबा क्या दान दिया है। उन्होंने आदेश दे दिया हाथ खोल करके दान करे, इसलिए सारा दुनिया सबके सब नाच रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अभी प्रभु जी एक सुंदर बधाई गाएंगे, आप लोग सब खड़े होकर के नाचना ठीक है। देखो भगवान की दरबार में जो एक बार नाच लेगा ना वो कहीं कहीं नाचने का जरूरत नहीं है, फिर 84 लाख जन्म में नाचना बंद हो जाएगी। लेकिन संसार में हम सब नाच रहे हैं, कोई पत्नी को सामने नाच रहा है, कोई पति को सामने नाच रही है, कोई सास को सामने, कोई ननद को सामने, कोई पैसा को सामने, कोई बेटा को सामने, कोई बहू को सामने, हम सबके सब नाच रहे हैं। बोले क्यों नाच रहे हैं? चूंकि भगवान की कीर्तन हम नहीं नाचते हैं। अगर ठाकुर का जन्म में जो नाचेगा ना फिर तो उसको कहीं भी नाचने का जरूरत नहीं। इसलिए अब लोग बैठ बैठ कर प्यार ना सब दर्द हो गया, एक बार खड़े हो जाओ सबके साथ खड़े हो जाओ। आज बरफीस गज नारी बनी गुजिया से गीत और मुंजा से गा तेरा से प्यारे बने बन देव जुड़ रस की सिरोही रूप I'm gonna make you mine.
Stop!
जय कन्हैया लाल की बोलना है सबको ताली बजाते ओए नंद घर आनंद भयो मर्जी इधर जाओ इधर आइए इधर आइए इधर आइए एक स्टैंड होगा तो दे दो उनको और क्या कैसे गाएंगे है कि नहीं स्टैंड इधर इधर सामने आ बैठ जाओ घूम करके पड़ा पड़ा अपने सुन कर लिखो इधर आजी मराजी इधर आजी मीरा भाई का सुनाता हूँ तो मीरा जी केसर भगवान को कैसे याद कर रही थी मारे देश मीरा जो है बात